খুলতে পারো কেন সিস্টেম মেম্বার জে স্কিন তুমি তুমি কর বেটা ফসা তো নেই আচ্ছা তুই তো ফাস গিয়া হমকো মত ফসা তেরে বাপ কো পতা কি তুই কাম কর মা কো পতা বাপ নে ইসলি পড়া সালে কি কাম রে গে করনে দেখো শরতি ইসসে বড়িয়া মোচি হো যা मतलब वो ऐसा देखते हैं पता चल जाए एमएलएम कर रहा है ऐसा देखते हैं आदमी को जैसे रेप करके आया नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है ओ भाई साहब ये तो ऐसा आदमी हो गया जो पता नहीं क्या करके आया हो क्या ऐसा ही विचार है लोगों का सर नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैं ठीक हूँ तो आप जानना चाहते हैं कि ऐसा विचार क्यों है उसके दिमाग में अब उसने पूछा यार इस बिजनेस की नेगेटिविटी बहुत है आपने बोला कैसे नेगेटिविटी है बहुत लोग आते हैं बहुत जुड़ते हैं सबको गाड़ी मिल गई ये आंसर नहीं है इसका आंसर है आप बिल्कुल मैं भी पहले ऐसा ही सोचता गिव मी अ पेन गिव मी अ पेपर टेक अ डायग्राम और डायग्राम देखिए क्या शानदार हो सकता है आपको समझा सके नेगेटिविटी क्यों है सर पूरी दुनिया के अंदर सक्सेस रेशियो 10% से ऊपर किसी काम में हो ही नहीं सकता 10% ही बहुत इज्जत दे रहा हूं मैं आप लोगों को किसी भी काम का सक्सेस रेशियो 10% से ऊपर नहीं है मैं पिछली बार भी ये टॉपिक का एग्जांपल दिया आपको फिर देता हूं दोबारा सुनिए अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि दोबारा क्यों सुने पहले सुना है तो मैं उनको बोलता हूं गाना अच्छा लगता है तो कितनी बार सुनते तो? बोलता बहुत बार सुनते तुम्हें कभी सुनो मुंबई का बीटी स्टेशन मुंबई में औसतन करीब 5000 लोग रोज उतरते हैं सर मुंबई के बीटी स्टेशन पे औसतन 5000 लोग उतरते हैं रोज क्यों उतरते हैं टू बिकम शाहरुख खान सलमान खान करीना कैफ करीना कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन और ये लड़के लड़कियां 14 15 16 17 18 साल के बीच में होते हैं और ये लड़के और लड़कियां अपने घर से लड़के जाते हैं पैसा चुरा के जाते हैं माँ बोलती है तो ये काम मत कर लड़की बोलती है मॉडल बनूंगी मम्मी मैं भी एक बार ऐश्वर्या राय जैसी बनूंगी करीना कपूर बनूंगी प्रियंका चोपड़ा बनूंगी माँ समझाती है बाप समझाता है लड़के चले जाते हैं बेटे कि पापा एक दिन शाहरुख खान दिल्ली से निकला अगर हम भी कुछ करेंगे आप देखना एक दिन आपका नाम रोशन करेंगे पैसा चोरी करके गया 5000 लोग और मेरी 5000 डेली मुंबई के ब्रिटिश स्टेशन पे आपको मिलेंगे सर नौजवान शहर के अलग अलग हिस्सों से आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से छोटी कस्बों से मेट्रोपॉलिटन सिटी से चकाचौ देखकर चकाचौ सफलता दिखती है संघर्ष नहीं दिखता पहुंचे 5000 लोग रोज तो महीने का कितना उतरा सर 1.5 लाख सर मेरा मैथ्स कमजोर हो गया साथ लीजिए कितने लोग रोज उतरे महीने में अच्छा एक साल में कितने लोग उतरे होंगे 18 लाख और 20 साल का अगर आंकड़ा लगाएं तो 20 साल में कितने लोग उतरे होंगे कितने लोग उतरे होंगे मुंबई 3 करोड़ चलो अब आपके लिए सवाल है आप मुझे 20 हीरो और 20 विलेन के नाम बताइए 3 करोड़ 60 लाख उतरे हैं दस के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी यू विल नॉट फाइंड नेम्स You will not find names. You will not find names at all. वही 10 थोबड़े हैं जो आप 20 साल से देख रहे हैं वही 10 हीरो के थोबड़े दिखाई देते हैं 10 हीरोइन के दिखाई देते हैं 10 कैरेक्टर रोल वाले दिखाई देते हैं 10-15 म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देते हैं स्क्रिप्ट राइटर दिखाई देते हैं वही 100 लोगों की पूरी जमात है 3.5 करोड़ लोग उतरे 20 साल में दोस्तों बाकी कहां गए मैं बताता हूं घर आ गए 3 महीने के बाद जब सड़कों पर थप्पड़ लगे जब संघर्ष हुआ चैलेंज फेस करने पड़े छोटे छोटे काम खुद करने पड़े देखा बड़ी मेहनत है घर आ गए पापा नौकरी की लगवा आप ठीक कहते थे पापा हमने आपकी बात मान के बहुत बड़ी गलती करी ये लोग वापस आ गए घर में सफलता सबको दिखती है संघर्ष किसी को नहीं दिखता 3.5 करोड़ में 40 लाख 100 नाम आपको ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है परसेंटेज निकाली तो 1% भी नहीं मिलेगा हेलो तो क्या वो इंडस्ट्री खराब हो गई
बेकार हो गई। आईएएस आईपीएस 100 रुपए का फॉर्म मिल जाता है पुस्तक भंडार से, खरीदने से बन जाते तो न जाने कितने आईएएस होते, कितने आईपीएस हो जाते। सबसे आसान है घुसना, सबसे कठिन है रहना, उससे भी कठिन है जमना। घुसना तो बहुत आसान, 10 रुपए दिया। मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बस है, बस बस, जिसमें पीछे के दरवाजे से लोग चढ़ते हैं, आगे के दरवाजे से उतर जाते हैं। थोड़ा सा रास्ता निकाल के, किसी का स्टॉप 5 किलोमीटर का है, किसी का 4 का, किसी का 10 का। जैसे जैसे ड्रीम्स, जैसे जैसे गोल, वैसे वैसे स्टॉपेज। चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा आप कब उतरोगे, मैंने कहा मैं ड्राइवर हूं, मैं आगे तक जाता हूं। मैं ड्राइवर हूं, मैं रोज यात्री चढ़ाऊंगा, रात उतारूंगा, मैं फिर सुबह चढ़ूंगा, फिर उतरूंगा, मुझे तो ड्राइवरी का शौक है भैया। और तुम अगर सच में नेटवर्क मार्केटिंग में रुकना चाहते हो तो यात्री मत बनो, ड्राइवर बनो। ड्राइवर नहीं बन सकते, एटलीस्ट कंडक्टर बनो, वो भी रहेगा। तो नेगेटिविटी नहीं है, अब दिक्कत क्या होती है, समस्या इसके बाद चालू है। अब जो लड़का मुंबई में थप्पड़ खा के आ गया, ये बन जाता है ड्राइवर। आपने वैम्पायर्स देखे, वैम्पायर्स यहां दो दांत लगा। अब इस ये दोस्त है सुरेश, अब ये सुरेश मुंबई गया, 3 महीने धक्के खाए, सड़क पे सोया, गैस हाउस में जितना पैसा ले गया था 40-50 हजार फूक आया, 5-6 स्टूडियो के थप्पड़ खाया, 5-6 लोगों ने बोला अपनी शक्ल देख, तू बनेगा हीरो, धमकाया इसको, ये वापस आ गया घर, 50-60 हजार, 1-2 लाख फूक आया। ये लड़के अपना पोर्टफोलियो शूट कराई, 2-3 लाख रुपए देके आई, फूक आई, वापस आ गई, घर बैठ गई। अब इसकी दोस्त, इसकी सहेली इससे पूछने आती है कि मैं चाहती हूं मॉडल बनना, तू सलाह दे। इसका क्या काम है, इसका ये की काम नहीं है कि उसको मोटिवेट करेगी, इसका काम है कि अपने दो दांत उसकी गर्दन में गाड़ेगी, रहने दे तू मत चाहिए। और एक से बदले हो गए कितने, अभी 2 ड्राइवर नर पिशाच घूम रहे हैं बाजार। अब इनके पास कोई तीसरा पूछने आ जाता है कि एमएलएम कर लो, ये दो तो फटे पड़े हैं पहले, ये दो घूम रहे हैं, तीसरा आता है इनसे पूछने नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दांत यहां गाड़ता है, एक दांत यहां गाड़ता है, बैठ घर पे एमएलएम पूछना उतनी बेकार है, हमने कहा ये करने देते हैं किसी को। अब आप सोचो नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में 15 बरस हो गए, 15 बरस, बच्चा स्कूल में फेल हुआ, गाली टीचर को देता है, ठीक नहीं पढ़ा, अब बस सिलेबस बाहर से आ गया, बहुत पढ़ता था, हेलो जो फर्स्ट आया उसके लिए भी सिलेबस। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से, स्थितियां जिम्मेदार कभी नहीं होती सर, स्थितियां सबके लिए जैसी ही होती है, स्थितियां कभी भी आपकी यात्रा के लिए ना बाधक होती है ना सहायक होती है, स्थितियां एक जैसी रहती है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, एक ही व्हाइट बोर्ड में टीचर का पढ़ा देखकर, एक ही रास्ते से स्कूल जाके, एक ही कैंटीन का खाना खाके, एक ही टीचर को पढ़ के, एक ही बेंच पर बैठ के, कुछ लड़के आईएएस बनते हैं, कुछ आईपीएस बनते हैं, कोई डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कोई कुछ नहीं बनता। उसी स्कूल से निकल के लोगों की यात्राएं अलग अलग चली जाती, स्थितियां सबके लिए एक जैसी ही। एक मां के 4 बच्चे हैं सर, ऑलरेडी 4 किड्स, सबको वही खाना खिलाती है, उसी चक्की का आटा खिलाती है, वही दाल खिलाती है, उसी रसोई से खाना आता है, उसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के 4 बच्चे खाते हैं। मां परवरिश में भेद नहीं करती, किसी के बच्चे 10 साल 20 साल के बाद मां के लिए फक्र का कारण बनते हैं, किसी के लिए शर्म का कारण बनते हैं। स्थितियां तो एक जैसी है सबके लिए साहब, स्थितियां जिम्मेदार नहीं होती। शाहरुख खान के लिए भी हुई थी, अमिताभ बच्चन के लिए भी हुई थी, सबके लिए भी हुई थी, आपके लिए भी हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए भी हुई थी, आपके लिए भी हुई थी, कुछ लोगों ने छोड़ दी, कुछ लोगों ने डट गए। अब जो छोड़ गई वो बन जाते हैं क्या, ड्रैकुला। अब आप सोचो 15 साल का इतिहास है नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में, कितने बन गए होंगे अब तक, और घूम रहे होंगे कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, करोल बाग, इधर उधर सब घूम रहे, और आपने किसी को बोला नेटवर्क मार्केटिंग, तो फटा पड़ाइए, बोले गर्दन ला, शुरू करना है। गलती किसकी है साहब, अगर धंधा खराब होता, मैं एक बात जानता हूं सर, कोई नहीं कमाता, कैसे लोग मर्सिडीज ले गए, कैसे लोग ऑडी ले गए, धंधा ही खराब होता तो किसी को भी नहीं आता, एक को आ गया एक को नहीं आया तो इसका मतलब धंधा खराब,
इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में, अभी 15 साल का बच्चा है, छोटा सा करता बिजनेस अभी से दिखाने शुरू कर दिए हैं। तीन चार हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिसमें इसका कोर्स स्टार्ट हो गया है, तीन साल का डिप्लोमा और बैचलर इन एक्ट सेल्स, तीन साल का कोर्स है। पुणे यूनिवर्सिटी करा रही है, केरला यूनिवर्सिटी करा रही है, दो यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट सेल्स के ऊपर तीन साल का कोर्स करा रही है, एकेडमिक कोर्स है। मैं बता दूंगा आपको गारंटी के साथ, 20 साल के बाद कहीं डीन मिलूंगा मैं आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का, पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट सेल्स। देखो हर नई चीज को अडॉप्ट होने में समय लगता है, इट विल टेक टाइम, लेकिन बात यही है कि कुछ लोगों के तानाशाहों के बाद लौट आते हैं, कुछ लोग अंगद की तरह पैर कि तेरे बस के हो तो उठा के देख ले। और हमारा भी पैर बहुतों ने उठाया है और अभी भी पैर में पकड़ के बैठे हैं 2550 नर्पिशाच। लेकिन मजा आएगा तब जब 2 साल बाद 3 साल बाद वही लोग आपको सफल देखेंगे और आपको बोलेंगे यार काश तूने हमसे भी करवा लिया होता, जबरदस्ती ही करवा लिया होता। जैसे लोग बाग हमसे पूछते हैं, तो नेगेटिविटी नहीं है सर, नेगेटिविटी कहीं पर भी नहीं है इस बिजनेस को लेके। नेगेटिविटी सिर्फ जहन में उन लोगों के है जिन्होंने ठीक से इस बिजनेस को समझा नहीं, किया नहीं। सीनियर बोलता था ये करो, वो ये करता था। हम आपको बोलते हैं लिस्ट बनाई, आप बोलते हैं हमारे दिमाग में है। मैं बोलता हूं पेन पे बनाओ, पेपर पे बनाओ, डायरी पे बनाओ, आप बोलते हैं सर हम बना लेंगे। आप नहीं बनाते, गलती आपकी नहीं, क्योंकि आपका सीनियर आराम खोरे साला उसने भी नहीं बनाई। बुरा मत मानिए, वो भूतनी का सिर्फ वो ही बोल रहा है। वो बोल रहे तूने लिस्ट बनाई, ये अंदर से उसको पता है कि हराम खोर ने भी नहीं बनाई, तो डुप्लीकेट क्या होगा? जो कहा नहीं, जो किया डुप्लीकेट हो गया। फिर लोग बोलते हैं मेरे ग्रुप में कोई लिस्ट नहीं बनाता, किसी की बोल नहीं है, कोई काम देना नहीं आता किसी को। मैं पूछता तेरे को आता? मेरे ग्रुप में सर कोई बुक नहीं पढ़ता। मेरे को सोने कितनी पड़ी पिछले 6 महीने में। जो आप चाहते हैं कि ग्रुप आपका करे उसमें निपुण हो जाइए सबसे पहले, ऑटोमेटिकली लोग आपको फॉलो करते हैं। आप जो लोगों से चाहते हैं ना कि सर मेरी टीम, मेरा ये दोस्त, ये गोल सेटिंग करें, पहले अपने गोल दिखाओ सर। आई वांट टू सी योर लिस्ट ऑफ गोल्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मेरे देखना चाहते हैं मेरी डायरी, आप देख सकते हैं। मेरे ड्रीम्स देखना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं 2020 स्टार्टेड प्लेन। आपने क्या बताया अपनी टीम में, बताओ मुझे आपका क्या सपना है 2020? टाइम दिया, डेट दिया, वेन्यू दिया? नहीं, मैंने टाइम दिया 2018 रोल्स रॉयस, मैंने बताया, ओपनली बताया, 10-20 हजार लोगों को बताया, 1-2 लाख 5 लाख लोगों को पता है, लेगा अरे हराम कोड ले लेगा, उनको पता है कि नरपिशाच नहीं मानेगा किधर भी। मैं आपको बताना चाहूंगा नेगेटिविटी कहीं नहीं है सर, और नेगेटिव वही है जिनके अल्ले पल्ले। अगर आदमी पूछता है कि नेगेटिविटी है तो बोलो भाई साहब आप बिल्कुल, मैं भी पहले, अब पेन दे दो और एक पेपर दे दो, अब आ जाओ मुंबई। सर आप मुझे बताओ कि आप ऐसे लोग जानते हैं जिनकी गोल्ड के बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हुआ हो? मैं जानता हूं। क्या आप ऐसे लोग जानते हैं जिनका फर्नीचर का बिजनेस नुकसान हुआ हो? मैं जानता हूं। रेडीमेड गार्मेंट नुकसान हुआ हो, टेक्सटाइल बिजनेस नुकसान हुआ हो, फैब्रिकेशन खत्म हो गया हो, फैक्ट्रीज बंद हो गई हो, फैक्ट्रीज सेल कर दी हो लोगों ने, आप ऐसे लोग जानते हैं? सुसाइड कर ली अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में फेल होने के बाद, तो क्या वो बिजनेस खराब थे? उसी बिजनेस में किसी ने कमाल कर दिया, उसी बिजनेस में। मैं आपको बताना चाहूंगा, फैशन डिजाइनर्स को आपने देखा सुना होगा, एक फैशन डिजाइनर एक ड्रेस बनाता है साहब, उसकी कीमत होती है 1200 रुपए मात्र। सभ्यसाची का पोस्टर लगते हैं, टैग लगते हैं, वो ड्रेस होती है 1,20,000, वही ड्रेस पर आप खरीदते हैं, दुनिया खरीदती है, जानते हैं क्यों? एक ही ड्रेस थी सर, ड्रेस भी अलग नहीं बनाई थी, ड्रेस ही हुई थी, पोस्टर लग गया उस पर, टैग लग गया सभ्यसाची डिजाइन पर, सभ्यसाची 1,20,000 लोग लेते क्यों लेते हैं? क्योंकि वो जिस बिजनेस में है उसमें उसने एक्सीलेंस हुआ है। आप जिस काम में रहे मैं कहता हूं उसमें एक्सीलेंट रहे सर, ऊपर जाने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, एक्सीलेंट होने की कोशिश करें। पैसा तो साला वो अमित खान वाला डायलॉग है कि क्या करके पीछे आया था। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। देखो मैं आपको बता दूं, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस कंपनी में रहते हैं, कुछ मत करिए, आप कोशिश करिए उस कंपनी में टॉप 5 में आने की। कंपनी बड़ी है तो टॉप 10 में आने की, बहुत बड़ी है टॉप 20 में आने की, प्रयास तो करिए। मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मुझसे पूछते हैं हम किस, हम मोजी हैं, हम नाई हैं, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप
जूता पॉलिश करने वाले भी है ना, तो आपसे बेहतर जूता पॉलिश करने वाला इस देश में नहीं होना चाहिए, वैसा बन जाइए। आप अगर सलून चलाते हैं तो लाइन लगी होगी, कटिंग कराऊंगा तो उससे नहीं तो कराता ही नहीं। आप जिस भी फील्ड में है कोशिश करिए उसमें टॉप में जाने की, बस अपने आप को बेहतर करने की। पैसा तो पीछे पीछे आ जाए, लोगों ने अपने आप को एक्सीलेंट किया है। एक लॉयर एक हियरिंग का 5,000 रुपए लेता है, उसी हियरिंग के दूसरा लॉयर 5,00,000 रुपए लेता है, डॉक्टर एक ऑपरेशन का 10,000 लेता है, दूसरा डॉक्टर उसी ऑपरेशन का 1,00,000 लेता है। सेम डॉक्टर सेम प्रोफेशन, एक ही किताब पढ़ा, एक ही कॉलेज से एमबीबीएस किया, एक ही कॉलेज से एमडी हुए, लेकिन जो 5,00,000 लेता है वो एक्सीलेंट हुआ अपने काम के, और जो 5,000 लेता है वो एवरेज रहा, बस दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेम प्रोफेशन 100-200, 1 डिग्री पे पानी गर्म, 212 डिग्री पे पानी, 211-212, एक डिग्री का फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज 1 डिग्री, 211 डिग्री पे पानी सिर्फ गर्म होता है, उबलता है, लेकिन 212 डिग्री पे वो भाप बनता है। एक एक्स्ट्रा डिग्री जो भाप होती है ना सर, वो बड़े बड़े स्टीम इंजन को चला देती है। ओनली वन एक्स्ट्रा डिग्री, ओनली वन एक्स्ट्रा डिग्री। तो आप जिस बिजनेस में है आप उसमें टॉप में रहे, प्रयास करें अपने आप को बेहतर बनाने का। नेगेटिविटी बहुत है, उसका जवाब क्या है? मुंबई आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी पहले यही सोचता था, ऐसा ही सोचता था। नाउ शो मी योर डायरी। और आपको मेरी बात समझ में आ रही है सर? आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4,